वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर क्वेटा पहुँच गए, जहाँ सूबे में अमन व अमान से मुतालिक इजलास की सदारत भी करेंगे। ज़राए का कहना है की शहबाज शरीफ क्वेटा में अमन व अमान की सूरत हाल पर तलब किए गए इजलास की सदारत करेंगे, जबकि क्वेटा में जिगर के अस्पताल का फ़तह कराची टू क्वेटा रोड का संग बुनियाद रखेंगे। योम अली के मौके पर मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि पुलिस और इंतजामिया की जानिब से जुलूस के रास्तों पर मुतबादल ट्रैफिक प्लान भी जारी किया गया है। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, क्वेटा और दीगर शहरों में जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के तहत इंतजाम किए गए हैं, जबकि इंतजामिया की जानिब से ट्रैफिक के निज़ाम में रवानी बरकरार रखने के लिए प्लान भी जारी किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन पर जानबदारी का इल्ज़ाम लगाते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया। दरख्वास्त में पीटीआई की जानब से इल्ज़ाम आयद किया गया है कि इलेक्शन कमीशन केस में पीटीआई के खिलाफ जानबदारी का मुजाहरा कर रहा है। पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से दहशतगर्दों की फायरिंग के नतीजे में पाक फौज के 3 जवान जाम शहादत नोश कर गए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 3 जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। शहादत पाने वालों में वलदार तैमूर, नायक शोएब और सिपाही साकिब नवाज शामिल हैं। अमरीकी रियासत वाशिंगटन में एक नौजवान ने अपने अपार्टमेंट से अंधाधुंध फायरिंग करके 4 अफराद को जख्मी कर दिया और फिर खुदकुशी कर ली। सिक्योरिटी कैमरों की मदद से पुलिस नौजवान के अपार्टमेंट तक पहुंची, लेकिन इससे पहले उसने अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। कौमी क्रिकेट के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर काउंटी खेलने के लिए लंदन रवाना हो गए, जहां वो इंग्लिश फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर के साथ मुआहदा का ऐलान करते हुए खुशी हो रही है। तजर्बाकार बैरल कौमी खिलाड़ी मोहम्मद आमिर अप्रैल और मई में काउंटी चैंपियनशिप के 3 मैचेस के लिए दस्तयाब होंगे।